ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा सीट से भाजपा उम्मीदवार किशन कपूर के पक्ष में प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उस व्यक्ति के लिए वोट करने का आह्वान किया जो अपमान व लांछन सहकर भी विकास के पथ पर अडिग रहा। उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था। स्मृति ईरानी ने कहा कि पब्लिक सब जानती है और जीजा साले को पहचानती है, इसलिए इस बार भाजपा की बड़ी जीत हो रही है। कांगड़ा सीट से भाजपा उम्मीदवार किशन कपूर के पक्ष में प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उस व्यक्ति के लिए वोट करने का आह्वान किया जो अपमान व लांछन सहकर भी विकास के पथ पर अडिग रहा। उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था। ईरानी ने कहा कि पब्लिक सब जानती है और जीजा साले को पहचानती है, इसलिए इस बार भाजपा की बड़ी जीत नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर पाकिस्तान को समर्थन देने वाले खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी हैं जो अपने देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि हिमाचल में जय श्री राम का उद्घोष करने पर जेल नहीं होती, जबकि एक प्रदेश में कांग्रेस के सहयोगी दल जय श्री राम के नारे के लगाने वालों को जेल में भेज रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व उनके सहयोगी दल प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी देश के विकास में लगे हुए हैं। पड़ेगा तो उस मोदी के लिए पड़ेगा जिसने अपमान सहे, लांछन सहे, लेकिन जो विकास के पथ पर अडिग रहा। या प्रत्याशी आए तो पूछिए उनसे कि जीजा जी जब ब्याह कर आए थे तब तो इतने धनवान नहीं थे, 300 करोड़ की संपत्ति जीजा जी के पास कहां से आई। मैंने तो नाम भी ले लिया जनता तालियां पीट रही क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, जीजा साले को अच्छी तरह से पहचानती है। इसलिए ये चुनाव राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है, ये चुनाव उस ऐतिहासिक निर्णय के समर्थन का चुनाव है जिसने समझा कि गरीब के घर में जब कोई बीमार पड़ता है तो महिला हो या बुजुर्ग कभी महंगी दवा नहीं करते क्योंकि जेब में पैसा नहीं होता। डॉक्टर ऑपरेशन की बात करें तो पैसा खर्च करने को नहीं होता, जीवन काटते ये सोचते हुए कि घर में कोई उपचार कर ले तो जीवन बीत जाएगा। ये चुनाव उस मोदी का चुनाव है जिसने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार गरीब परिवार को 5 लाख रुपए सालाने का इलाज मुफ्त इंतजाम करवाया, 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत की योजना दिलवाई। ये उस मोदी का चुनाव है और मोदी इस बात से आश्वस्त है कि गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बना क्योंकि साल 2014 में हिंदुस्तान ने तय कर लिया था, हिंदुस्तान ने ठानी थी कि कांग्रेस के अहंकार को चूर चूर करना है और एक गरीब मां के बेटे को देश का प्रधान सेवक बनाना है। कि जब आप जय श्री राम के नारे देते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जय श्री राम कहते हैं तो कम से कम आपको जेल नहीं होती। आज हिंदुस्तान में एक प्रदेश ऐसा है जहां पर सामान्य नागरिक अगर मात्र जय श्री राम बोलता है तो कांग्रेस के सहयोगी उसे जेल की हवा कराते हैं। मध्य में आने से पहले कल पश्चिम बंगाल का दौरा करके आ रही और पश्चिम बंगाल में जो नजारा मैंने देखा उस नजारे को देखने के बाद इस मंच से जब शांता कुमार जी बोल रहे थे तो गांधी जी की उस प्रतिमा की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ जिसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म हमारा। और सोचा मैंने कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मानवता को धर्म बनाया भाजपा ने, अहिंसा को धर्म बनाया भाजपा ने और इसीलिए जनता ने तय किया है कि वो 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे
बटन दबाएंगे और एक बार फिर भाजपा को केंद्र में लेकर आएंगे। भारत की राजनीति ने शायद ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की ये पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रदेश में मात्र रोड शो करने जाते हैं और कांग्रेस के सहयोगी दल इतना बिल मिलाते हैं कि इनके रोड शो पर वो जानलेवा हमला करते हैं। कांग्रेस के सहयोगी दल इतना बिल मिलाते हैं कि बसे कारे चलाते हैं, मोदी का पोस्टर फाड़ते हैं। भारत की राजनीति ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा कि मात्र भाजपा का झंडा उठाने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जाते हैं। वहीं सांसद शांता कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कांग्रेस के पिछले 10 साल में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों को साफ करने में लगा है और नई योजनाएं बनाई गई हैं। शांता कुमार ने कहा कि देश में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के शानदार 5 सालों के कार्य व दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, तो दूसरी ओर जिनका कोई नेता नहीं, कोई एक पार्टी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, इस तरह के लोग चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जो अमीरी चमकाती थी, गरीबी से सकती थी, उन योजनाओं को बिल्कुल बदल के रख दिया। अब ये योजनाएं सबसे ज्यादा, सबसे पहले गांव, गरीब और आम आदमी के लिए काम कर रही है। तस्वीर बदल रही है। मैं उन सारी योजनाओं का जिक्र नहीं करता। एक साल हुआ जयराम ठाकुर शिमला में, कितनी योजनाएं। एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मित्र जो योजनाएं आपके सामने बताते हैं 5 साल की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से पहले 10 साल भयंकर भ्रष्टाचार घोटालों के 10 साल, जब नरेंद्र मोदी जी को आपने बिठाया दिल्ली में, 10 साल के भ्रष्टाचार की सारी बैल जर्जर तंत्र उसको ठीक करने में समय लगा। खजाना खाली हो चुका था, उसको भरने में समय लगा। नई योजनाएं बनाई, योजनाएं चली, ये मुश्किल से 2-3 साल का काम है। अब सब ठीक हो गया है, दिल्ली साफ हो गई है, खजाना भर गया, ऐसी कोई कमी नहीं है। आने वाले 5 साल बहुत विकास के होंगे और देश की तस्वीर तो देखिए, एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी 5 साल के शानदार काम, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हम क्या है आपको पता है, हम क्या करेंगे आपको पता है, हमने किया है आपको पता है, सामने क्या तस्वीर है। कोई एक नेता नहीं, कोई एक पार्टी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, ना जोड़ है, ना गठजोड़ है, ना महागठजोड़ है। कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। भगत सिंह की शहादत से मिला वोट कुएं में नहीं डाला जा सकता, अंधेरे में नहीं दिया जा सकता। मेरा निवेदन है इन सारी बातों पर विचार करके आप वोट दीजिए। हम मुख्य रूप से स्मृति ईरानी जी को सुनने आए हैं, लेकिन आखिर में इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश गंगाराम, जयसिंहपुर के विधायक रविंदर धीमान, बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।